गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए आज बहुत ही इजी से और बहुत ही अच्छे टिप्स लेकर के आई हूँ, जैसे कि हमारे परिवार की खुशियों की चाबी हमारे किचन में ही होती है और जानकारी नहीं होती है। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाएंगे तो हमारे परिवार पर एक सकारात्मक बदलाव होगा, जिसे आप स्वयं समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, पसंद आता है तो शेयर भी करें। दोस्तों, पहला टिप्स है मेरा रसोई में लेकर के, और इस समय मेरा खाना बन चुका है, मैं सफाई कर रही हूँ किचन की। पहले कूड़ा वगैरह यहाँ से हटाऊँगी, तो अभी मैं सादा कपड़े से इस तरीके से मैं पोंछ रही हूँ, सफाई कर ली है। और दूसरा इसके साथ ही ये टिप्स है कि जैसे लोहे का जो तवा होता है, इसमें शनि और राहु का वास होता है, तो इस तवे को हमें हमेशा छिपा करके रखना चाहिए खाना बनाने के बाद में या वैसे भी, ताकि बार बार इस पर हमारी निगाह ना पड़े और इसकी कोई भी निगेटिविटी हमारे परिवार के साथ में ना हो। तो हमेशा छिपा करके ही तवे को रखना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं छिपा करके साइड में रखती हूँ। और इसके बाद में जो दूसरा कार्य हमें करना है शाम को दोस्तों, सोते समय जैसे हमने किचन साफ कर लिया, तो हमें एक मग में, बाल्टी में ऐसे पानी लेना है। तो ये मेरी बाल्टी किचन की है, पोछा वगैरह लगाने के लिए मैं रखती हूँ किचन में, केवल स्लिप के लिए और बाकी तो अलग ही है। तो इसमें हमें मिक्स करना है नमक, और एक चम्मच भर के नमक डालना है, और जिससे हम स्लिप को अपने क्लीन करते हैं। तो डेली शाम को हमें इसका पोंछा अपने किचन में ज़रूर लगाना है, इससे आपके परिवार में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे और सारी निगेटिविटी धीरे धीरे करके आपके परिवार से दूर हो जाएगी। क्योंकि सेहत और खुशियाँ हमारे किचन से ही होती हैं। अच्छा खाना ना बने तो भी माइंड टेंशन में रहता है, पेट नहीं भरता है कि आज खाना सही से नहीं खाया है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन से जुड़ी हुई होती हैं दोस्तों। तो एक बार रात के समय सोते समय नमक के पानी का पोंछा ज़रूर लगाएं। दूसरा टिप्स है दोस्तों मेरा, जैसे गैस मैंने क्लीन कर ली है, और रात के समय आपको क्या करना है कि एक बर्तन में, अगर तांबे का है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो किसी भी बर्तन में, बड़े बर्तन में, डोलची वगैरह जैसे होती है, पानी भर के आपको किचन में एक साइड में रख देना है और इसको रात भर रखा रहने देना है। इसको ढकना नहीं है, खुला पानी ही इसको हमें रखना है। इतनी अच्छी पॉजिटिविटी, इससे एनर्जी महसूस होगी आपको। जब आप इसको सुबह उठ के आएंगे, आप भरा हुआ बर्तन खुला हुआ देखेंगे, तो आपके परिवार का, आपका बहुत ही अच्छा समय गुजरेगा। लेकिन हमें इसको गैस के पास में नहीं रखना है, गैस से दूर हमें रखना है इसको सारा क्लीन करने के बाद में। अब इस पानी का हमें क्या करना है, चलिए ये देख लेते हैं। इस पानी को हमें कहीं गली में, फर्श पे नहीं फेंकना है। जो हमारे घर में पौधे लगे हुए होते हैं, तो हमें उन्हीं पौधों में इस पानी को डाल देना है, किसी ऐसी जगह नहीं डालना है जहाँ पैर वगैरह पड़ते हों। तो इस तरीके से पौधों में ही हम इस पानी को डाल देंगे, तो इसका पानी का उपयोग भी हो जाएगा और पानी भी पैरों के तले नहीं आएगा। तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही इजी सी टिप्स है और बहुत ही अच्छी कमाल की टिप्स है। इसके साथ ही दोस्तों एक टिप्स है कि आप शनिवार के दिन, जैसे लोग नज़र उतारते हैं, आप अपने किचन की, परिवार की नेगेटिविटी दूर करने के लिए किसी भी कांच के बर्तन में, कटोरी भी हो सकता है, गिलास भी हो सकता है, जितने आपके परिवार में सदस्य हैं उतने चम्मच आप नमक भर के डालिए कांच के बर्तन में, और आप अपने किचन के कोने में इसको रख दीजिए। रात भर के लिए आप इसको रख दीजिए, और सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में आपको क्या करना है ये आपको बताऊंगी। उसके पहले, अगर अब तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट करें कि आपको ये टिप्स पता थे या नहीं थे, और आप ऐसा करते हैं कि नहीं, और नहीं करते हैं तो फटाफट से आप करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों हमें करना क्या, मॉर्निंग में उठना है, किसी भी
बहने वाली जगह में आपका सिंक हो सकता है, बास बेसिन हो सकता है, घर की नाली हो सकती है, पानी डालिए और इस तरीके से इसको काम ना करते हुए आप बहा दीजिए कि इसमें सारी निगेटिविटी घर की, रसोई की, आपके फैमिली की इस तरीके से बह जाएगी। दोस्तों छोटे छोटे से जब आप ये टिप्स अपनाएंगे दोस्तों, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके परिवार में एक सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहा है। दोस्तों अब ये आखिरी टिप्स आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। दोस्तों आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं, यानी कि जो हमारा गैस चूल्हा होता है जिस पर हम भोजन पकाते हैं वो हमारा अग्नि तत्व है और जो पानी है वो हमारा जल तत्व है। तो आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो कभी भी हमें जो हमारा पीने वाला पानी होता है, कैन होते हैं, कैंपर होते हैं, कभी भी एकदम गैस के पास में नहीं रखना चाहिए। बेहतर तो ये होगा कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो बीच में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे पार्टीशन हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको एक स्टैंड लगवा ही लेना चाहिए जिसमें आपका पीने वाला पानी या खाना बनाने के लिए पानी जैसे रखते हैं आप स्टोर करके, तो बिल्कुल गैस के बराबर वाली स्लिप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आग और पानी का मिलन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से इजी से टिप्स आपके परिवार की खुशियों की चाबी, जो कि बहुत ही इजी हैं और सारे वास्तु के हिसाब से हैं। तो आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।